पीलीभीत शहर में दिन प्रतिदिन जाम की समस्या बढ़ती ही जा रही है, जिससे आम जनता त्रस्त है। शहर के नौगांवा चौराहे पर डग्गा मार वाहन खड़े होने से जाम का दृश्य दिन में एक बार देखने को मिल जाता है। प्राइवेट वाहन और ई रिक्शा सड़कों पर अव्यवस्थित खड़े होने से यातायात व्यवस्था भंग हो रही है, जिससे दिन में कई बार जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। इससे आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। वहीं व्यापारियों का कहना है कि जाम लगने के कारण ग्राहक दुकान पर नहीं आ पाते और वापस लौट जाते हैं। इससे व्यापार में मंदी आती जा रही है। इन वाहनों के खड़े होने से दुकान और क्लिनिक तक आने का रास्ता बाधित होता है। वहीं ट्रैफिक पुलिसकर्मी छांव में आराम करते नजर आते हैं। असल में ट्रैफिक जाम बड़ी हो जाती है, उस सख्ती के लिए तो काबू पाया गया है। जिम साहब ने आदेश के रहते हैं ट्रैफिक वालों से यहाँ हटवाया, लेकिन अब भी बस वगैरह आगे रुकती है एकदम टुक टुक वाले तोड़ पड़ते हैं सवारियाँ लेने के लिए, उसे एकदम जाम जैसी स्थिति हो जाती है। खासतौर से शाम के 6:30-6:60 के बीच में कई प्राइवेट बस सड़कों जाने वाली सवारियाँ लेने के लिए घंटों घंटों यहाँ खड़ी रहती, जिससे मेरे क्लिनिक के ठीक सामने मेरे पेशेंटों के आने के लिए बड़ी परेशानी होती है। तो सब पेशेंट होते हैं, फोर व्हीलर से भी आते हैं, इमरजेंसी वाले आते हैं, बाइक से भी आते हैं, लेकिन उनको क्लिनिक तक आने में तो आज सामने भी तो जाम लग जाती है। कई बार टुक टुक और ये टेम्पू थ्री व्हीलर, उनसे कई गाड़ियों का एक्सीडेंट भी हुआ है, गाड़ियाँ टूट भी गई हैं। आज नौगमा चौराहे पे जो वाहन खड़े होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। आने में जाने में कस्टमरों को और हम लोगों को भी बहुत तकलीफ होती है। इससे चोट भी लग सकती है, कोई घटना भी हो सकती है। इससे जल्द से जल्द बहुत जल्द से जल्द इसका जो है संशोधन कराया जाए, और इससे बहुत तकलीफ हो रही है। कस्टमर आता है जाता है, लोग अपना वाहन खड़ा कर देते हैं। इसके लिए कोई भी अपनी पार्किंग या कोई भी सुविधा अपनी नई योजना बनाई जाए। इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। आए दिन नौगमा चौराहे पर भीड़ लगती है और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर से कस्टमरों के लिए, पब्लिक के लिए। कोई भी चोट किसी भी तरीके की कोई भी घटना हो सकती है। ये मतलब जो क्या बोलते हैं, बहुत जल्द से जल्द इसका समाधान कराया। हमें आए दिन ये टमटम और मैजिक जो लगातार खड़े रहते हैं लाइन लगा के, उससे हमारे ग्राहक भी बाधित होते हैं और ग्राहक लौट जाते हैं। अब फिर ग्राहक जब हटाने को कहता है तो उनसे लड़ने को तैयार होते हैं। पुलिस इस पर पूरी तरह संज्ञान लेती नहीं, सब बैठे रहते हैं आराम, और आए दिन फिर लोगों ये झगड़ा करते हैं। यहाँ पर दुकान के साथ गाली गलौज करते हैं, उल्टी सीधी तेज आवाज वो म्यूज़िक बजाते हैं उल्टे सीधे। इस तरह से जो महिला ग्राहक हैं उनको भी दिक्कत होती है, और आए दिन और महिलाओं के साथ एकदम सवारियों के साथ ये भद्रता करते हैं ये लोग, उनको हाथ पकड़ कर खींच खींच के बैठाते हैं जबरिए, फिर गाली से पकड़ी हुई रहती सवारियों से लड़ते हैं। तो इनकी एक निश्चित व्यवस्था की जाए कि इनको एक चौराहे से थोड़ा दूर हटा के इनके अरेंजमेंट करा जाए, और वहाँ से ये नियमित रूप से लड़ें। तो सवारी से जहाँ टेम्प उसको जाना होगा तो वो दूसरी दूर जाके भी टमटम पकड़ सकती है।